शीला की जवानी चटपटी चाप है जी। अच्छा। शीला की जवानी जग्गा डाकू है, नागिन चाप है। टेस्ट इंडिया के आज के सफ़र में मैं आपको लेकर आया हूँ सुभाष नगर ब्लॉक नंबर 2, और आज यहाँ पे हम टेस्ट करने वाले हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाप्स फ्रॉम सरदार जी मलाई चाप। और ख़ास बात इनकी यह है कि ये 100% प्योर वेज है। इनका मेनू है मेरे पास, एक बार मैं मेनू पढ़ता हूँ, देखते हैं क्या क्या ये सर्व कर रहे हैं। मेनू तो इनका काफ़ी बड़ा है, लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे लग रहा है। शीला की जवानी, कभी सुना है आपने शीला की जवानी, वो भी मेन्यू में। तो चलो गाइस फूड ऑर्डर करते हैं अपना, और ओनर से भी बात करते हैं और मालूम करते हैं कैसे स्टार्ट हुआ है और ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो आ जाओ, ये हैं हरप्रीत भैया, उनसे बात करते हैं और मालूम करते हैं कि इन्होंने ये कैसे स्टार्ट करा है। तो भैया बताइए कैसे स्टार्ट कैसे हुआ है पाजी? आपका सारी कृपा पाजी उत्ते ले देगी, सारी कृपा वाहेगुरु दी है जो असी अज इत्थे तक पहुँचे हैं। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਰੇੜੀ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਰੇੜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਭਾਜੀ ਰੇੜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਲਾਈ ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਕੀ 4-5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਥ 5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਓਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਫੂਡ ਕਿਆ ਕਿਆ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜੀ? ਸਾਰਾ 100% ਪਿਓਰ ਵੈਜ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ। ਪਿਓਰ ਵੈਜ, ਸਾਰਾ 100% ਪਿਓਰ ਵੈਜ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨਾਨ ਵੈਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਆਈਟਮਾਂ ਵੈਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀ ਆਈਟਮਾਂ ਵੈਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, तो गाइस ये बहुत अच्छी बात है कि 100% प्योर वेज है, लेकिन टेस्ट जो है बिल्कुल वो 100% नॉन वेज का है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आप बताइए हमें क्या रिकमेंड करेंगे कि हम क्या टेस्ट करें? सर हमारा जो स्पेशल आइटम हमारी वो है वेज फिश। अच्छा, ठीक है सर। और अपना हमारे पास जो है इम्पोर्टेड आइटम्स है, मलेशिया की कुछ आइटम्स है, वेज सुरमई है, वेज सलामी है, अपना ओरले है, KFC, बहुत आइटम्स है हमारे पास सर। 100 टाइप की हमारे पास सोयाबीन है, 100 टाइप्स ऑफ सोयाबीन भी है। 100 टाइप्स ऑफ सोयाबीन, मतलब सुनते ही मुँह में पानी आने लगा है मेरे। अच्छा, मैंने आपके मेन्यू में देखा है कुछ नाम कुछ बॉलीवुड से इंस्पायर भी है, उसके बारे में बताइए वो क्या है? ये शीला की जवानी सर, शीला की जवानी सर, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए सारे नाम रखे गए हैं। शीला की जवानी चटपटी चाप है जी। अच्छा। शीला की जवानी जग्गा डाकू है, नागिन चाप है। नागिन चाप, जग्गा डाकू, शीला की जवानी, सारी आइटम है सर। बहुत बढ़िया, आपका टेस्ट करके देखो, आपको बहुत ही आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय करोगे आप आइटम को। चलिए गाइस, तो हम अपना फूड लगाते हैं और उसको टेस्ट करके बताते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। और इन्होंने बताया यार कि कितनी मेहनत से स्टार्ट हुआ है, आज इस मुकाम पे आए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। कृपया सर, अप्रिशिएट दैट एफर्ट अलॉट। तो चलो गाइस, फूड के साथ मिलता हूँ आपको। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हमारा फूड तो आ गया है। एक बार टेस्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या ऑर्डर करा है। तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है इनका मैंगो अचारी रोल, इसके साथ हमने ऑर्डर करी है इनकी फ़िश, जैसे आप ये देख रहे हो, ये है इनकी फ़िश। और बताना चाहूँगा, नाम तो इसका फ़िश है, आई एम श्योर इसका टेस्ट भी फ़िश की तरह होगा, लेकिन ये है 100% प्योर वेज, ये बनी हुई है 100% प्योर चाप से, ठीक है। तो इसके साथ हमने ऑर्डर करा है जो है इनका स्पेशल मलाई चाप, तो ये भी हमने ऑर्डर करी है। और आप देख रहे हैं ना, ये आपको नज़र आ रहा है ना, सोचिए कि इसका नाम क्या होगा। मैं बता देता हूँ, इसका नाम है जग्गा डाकू। काफ़ी अमेजिंग नाम है ना। तो चलो अब इसको टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके मैं बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। सबसे पहले मैं टेस्ट करता हूँ इनका मैंगो अचारी, तो ये इनका मैंगो अचारी, और अब हम इसको करते हैं टेस्ट।
और ये इन्होंने ग्रीन चटनी जो है इनकी हरी मिर्च की चटनी है उसके साथ सर्व करा है, और चटनी का भी कलर काफ़ी अलग लग रहा है और काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रही है मुझे। तो चलो अब इसको डिप करते हैं इसमें और करते हैं टेस्ट। आपको खाना है क्या? अरे आपको खाना है ना तो आप आ जाइए सरदार जी मलाई चाप सुभाष नगर में, ठीक है? और डिटेल आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब तक मैं खा लेता हूँ। बहुत लजीज है गाइस, बहुत स्पाइसी है और जो टेस्ट आ रहा है इसके अंदर अचार का, और जो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर खटास है, आई थिंक वो मैंगो की खटास जो है वो आ रही है इसके अंदर। अचार का टेस्ट आ रहा है और मसालों का टेस्ट आ रहा है, और बोलते बोलते भी मुझे टेस्ट की लेयर जो है वो फील हो रही है। मैं थोड़ा सा और टेस्ट करता हूँ इसको। काफ़ी टैंगी है और काफ़ी टेस्टी है। तो चलो अब मैं इसको रखता हूँ और टेस्ट करते हैं इनके फिश जो है 100% प्योर वेज। तो ये भी हमने इनके फिश, और फिश के साथ इन्होंने सर्व करी है इनकी ग्रीन चटनी, और इन्होंने आती ये रायता है दही का, आई थिंक रायता ही लगता है इसके, वो भी इन्होंने करा है। तो चलो हम इसको डिप करते हैं इनके रायते में। आई थिंक ये क्रीम है, क्रीम और रायते की तरह ही है, तो जो भी है चलो टेस्ट करते हैं इसको। मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर किसी को मालूम नहीं है कि ये प्योर वेज है और उसको खिला दिया जाए तो वो टेस्ट डिफर नहीं कर पाएगा कि ये सही में प्योर वेज था। इतना अच्छे मसाले यूज़ करेगा और इतनी अच्छी तरह बनाया गया है कि बिल्कुल टेस्ट जो है फिश वाला आ रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। मतलब वेज में कहाँ ऐसा टेस्ट मिलता है। चलो तो वेजिटेरियन के लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप आ सकते हैं यहाँ पे और नॉन वेज का मज़ा ले सकते हैं प्योर 100% वेज फूड के साथ। इसको मैं थोड़ा सा और टेस्ट करता हूँ इनकी ग्रीन चटनी के साथ। और सरदार जी मलाई चाप वाले, तो मलाई चाप तो टेस्ट करना बनता ही है। मैं टेस्ट करता हूँ इनकी मलाई चाप, और ये ग्रेवी के साथ देते हैं, और ये भी मैं ही खाऊंगा। काफ़ी अच्छा टेस्ट है गाइस इसका, इसका ऐसा टेस्ट आ रहा है कि अगर नॉनवेज रखा जाए साथ में तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं इसको प्रेफर करूँगा ओवर द नॉन वेज। इतना अच्छे मसाले यूज़ करें इन्होंने। थोड़ा सा मैं इसको और टेस्ट करता हूँ इनकी ग्रीन चटनी के साथ। बहुत लजीज है गाइस ये, और डरिया नहीं आप, बारी आ गई है ये जग्गा डाकू की, ठीक है? तो हो सकता है जग्गा डाकू ने काफ़ी डाके डाले, लेकिन आज हम इसको खा के ना ख़त्म कर देंगे इसका किस्सा। ये भी काफ़ी लजीज है, इसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है गाइस, बहुत अलग टेस्ट आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं चिकन टिक्का खा रहा हूँ, इस टाइप का टेस्ट है जग्गा डाकू का, जो बहुत अच्छी बात है। मतलब वेज में इतना अच्छा टेस्ट बिल्कुल प्योर नॉन वेज वाला टेस्ट आ रहा है, जो मतलब मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता कि टेस्ट कितना अच्छा है। मैं थोड़ा सा और टेस्ट करता हूँ। मज़ा आ गया भाई। तो जैसे आप देख रहे हैं खाना तो बहुत सारा है और इसको ख़त्म करने में लगेगा मुझे काफ़ी टाइम। तो जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ जो वेज खाते हैं और जो नॉन वेज खाते हैं, दोनों के साथ शेयर कर दो, और कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा फूड पसंद है और आप यहाँ कब आ रहे हो, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बिहाइंड द सीन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो गाइज़ जब तक के लिए मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। ईट हेल्दी एंड स्टे फिट। बाय बाय।